नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे, दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे दोस्तों, जहां पर जानेंगे बेहद ही बड़ी अपडेट आ रही है। पीएम मोदी की मुश्किलें बढ़ी हैं, चुनाव आयोग में की गई है ताबड़तोड़ शिकायतें, विपक्ष ने बढ़ाया है दबाव, कार्रवाई की मांग यहां पर तेज हो गई है, जानेंगे पूरा मामला। इसके साथ ही CAA पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 200 से भी ज्यादा याचिकाओं को सुनेगा सुप्रीम कोर्ट, और वहीं जानेंगे खबर को, बीजेपी शासित राज्यों में चला है चुनाव आयोग का डंडा, अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, बीजेपी की सीटों पर पड़ सकता है असर। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों एक एक करके आगे इसी वीडियो में जानेंगे। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप लोग भी निष्पक्ष चुनाव को लिए वीवीपैट पर्चियों की गिनती की मांग करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर ही बताइएगा कि आप लोग 24 के चुनाव में किस पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर बताते चलें, पीएम मोदी की ताबड़तोड़ शिकायतें की गई है चुनाव आयोग में, आचार संहिता के उल्लंघन का है मामला, प्रधानमंत्री के व्हाट्सएप संदेश पर उठे हैं सवाल, विपक्षी सांसदों ने चुनाव आयोग से कर दी है बड़ी कार्रवाई की मांग। जी हां दोस्तों, बताते चले, विपक्ष के कई सांसदों ने निर्वाचन आयोग से प्रधानमंत्री मोदी के उस पत्र को लोगों को व्हाट्सएप पर भेजे जाने को लेकर के कार्रवाई की मांग की है, जिसमें जनता से विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्थन मांगा गया है। उनका कहना है कि यह चुनाव आचार संहिता का घोर उल्लंघन है। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने लोगों को प्रधानमंत्री का पत्र भेजे जाने पर गोपनीयता का मुद्दा उठाने वाले एक व्यक्ति की पोस्ट को एक्सपर्ट टैग किया। उन्होंने कहा, क्या निर्वाचन आयोग सत्तारूढ़ दल के पक्षपातपूर्ण राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए सरकारी मशीनरी और सरकारी डेटा के इस तरह के जबरदस्त दुरुपयोग पर ध्यान देगा और कोई कार्रवाई करेगा क्या? और वहीं कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी का भी बयान आया है। उनका कहना है कि ये पूरा मामला आचार संहिता का खुले तौर पर उल्लंघन है। उन्होंने सवाल किया कि मंत्रालय को मेरा मोबाइल नंबर आखिर कहां से मिला। इतना ही नहीं दोस्तों, पीएम मोदी ने किया है आचार संहिता का खुला उल्लंघन, करे कार्रवाई। कांग्रेस की एक अन्य मामले में चुनाव आयोग से बड़ी अपील, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पीएम मोदी के खिलाफ में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लिखे पत्र में कहा है कि राहुल गांधी ने बुरी शक्तियों के खिलाफ में जंग की बात की थी, लेकिन प्रधानमंत्री के पद पर रहने के बावजूद नरेंद्र मोदी ने इसे धार्मिक मोड़ दे दिया। पीएम मोदी ने लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की है, यह चुनावी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की है कि पीएम मोदी को इस तरह से सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए चीजों को तोड़ मरोड़ करके पेश करने से रोका जाए और उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। पूरे मामले पर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के मास्टर हैं। देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट से जूझ रही है, नौजवान नाराज हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई से लोग अपना घर नहीं चला पा रहे हैं, नोटबंदी GST ने लाखों उद्योग चौपट कर दिए, लेकिन प्रधानमंत्री गैर जरूरी मुद्दे उठा करके जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं, लेकिन जनता इस बार बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। राहुल गांधी का पूरे मामले पर कहना है कि जिस शक्ति की मैंने बात की वह अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति है, जिसे नरेंद्र मोदी भी पहचानते हैं, लेकिन उनकी आदत है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश करना। यह यहां पर राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। इसके साथ ही दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर CAA को लेकर के दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई आज होगी सुप्रीम कोर्ट में। CAA को लेकर के याचिकाएं सूचीबद्ध कर दी गई हैं। CGI की अगुवाई वाली पीठ में 237 याचिकाएं यहां पर सूचीबद्ध की गई हैं। बड़ी खबर आ रही है, आचार संहिता लागू होने के बाद में बड़ी कार्रवाई की गई है। 6 राज्यों के गृह सचिव हटाने के निर्देश दिए गए हैं, बंगाल DGP भी बदले गए हैं। जी हां दोस्तों, आप लोगों को खबर बताते चलें, लोकसभा के चुनाव में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दे दिया है। चुनाव आयोग के आदेश पर पश्चिम बंगाल के DGP राजीव कुमार को भी
तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। इसके साथ ही हिमाचल व मिजोरम के प्रशासनिक सचिवों को भी हटा दिया गया है। सभी अधिकारी चुनाव की प्रक्रिया से पूरी तरह से दूर रहेंगे। चुनाव आयोग ने 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि इन अधिकारियों के पास में संबंधित राज्यों में मुख्यमंत्री कार्यालय में भी दोहरी जिम्मेदारी थी। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बड़ी कार्रवाई चुनाव आयोग ने की है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पर बीजेपी के अंदर मचा हड़कंप। हरियाणा से खबर आ रही है, नायाब सैनी की सीएम पद पर नियुक्ति को चुनौती। हाई कोर्ट ने केंद्र विधानसभा के अध्यक्ष समेत चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में मुख्यमंत्री पद पर नायाब सिंह सैनी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हाई कोर्ट ने मामले में हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार, विधानसभा के अध्यक्ष और चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। बताते चले, एडवोकेट जगन मोहन सिंह भट्टी ने याचिका में आरोप लगाया था कि नायाब सिंह की मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्ति नियमों के खिलाफ जाकर के की गई है। और इतना ही नहीं, याचिका में कहा गया है कि वे यहां पर विधानसभा के बाहर के व्यक्ति हैं, वे सदस्य नहीं हैं विधानसभा के, फिर भी उनको शपथ दिलाई गई है और 1 साल के अंदर में विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में उपचुनाव कैसे करवाया जाएगा, ये नियुक्ति अवैध है, इसको रद्द किया जाए, ये यहाँ पर याचिका में आरोप लगाया गया है दोस्तों, जिस पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और पूरे मामले में केंद्र को नोटिस जारी किया है, चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी किया गया है और जवाब तलब किया गया है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, कर्नाटक बीजेपी में बड़ी बगावत हो गई है। पीएम मोदी की रैली में शामिल नहीं हुए हैं बीजेपी के ही नेता ईश्वरप्पा, निर्दलीय चुनाव लड़ने पर अड़े हैं। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले कर्नाटक बीजेपी में बगावत होती हुई नजर आ रही है। हावेरी सीट से इलेक्शन लड़ने के लिए बेटे को टिकट नहीं मिलने पर सीनियर नेता के एस ईश्वरप्पा काफी नाराज हैं और वहीं शिवमोगा में आयोजित पीएम मोदी की रैली में वहां शामिल नहीं हुए हैं। ईश्वरप्पा के इस कदम से पार्टी को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा है। कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण ठुकराने वाले 75 वर्षीय पूर्व उप मुख्यमंत्री ईश्वरप्पा को विभिन्न समुदायों के मठों का दौरा करते हुए देखा गया है और वे निर्दलीय चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। बीजेपी के प्रत्याशी को वो हराएंगे, ये यहाँ पर उनका कहना भी है। इसके साथ ही दोस्तों खबर आ रही है बिहार से, महागठबंधन की तरफ से। बिहार में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा लगभग फाइनल हो गया है। तेजस्वी यादव बोले, 2-3 दिन में अंतिम रूप देकर के ऐलान किया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार में इंडिया गठबंधन के दलों के बीच में सीट बंटवारा लगभग फाइनल हो गया है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के बीच में बिहार के लिए सीटों का बंटवारा अंतिम चरण में है और अगले कुछ दिनों में इस पर मोहर लग जाएगी और इसका ऐलान किया जाएगा। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार थे दोस्तों, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर ना है तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।